हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आर्य। स्वागत करता हूँ आपका हमारी अपडेट सीरीज में। आज भी मैं आपके लिए काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आया हूँ, सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला अपडेट निकल के आ रहा है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपना एक नया 5G स्मार्टफोन जल्द इंडियन मार्केट में लेके आने वाला है। साथ ही साथ ये भी कंफर्म कर दिया कि आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा 2019 के एंड तक। साथ ही साथ रियलमी के CEO माधव सेठ ने खुद ऑफिशियली इस ट्वीट कर को आपको बताया है। आप ट्वीट को इमेज में देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग की गैलेक्सी नोट 10 की तरफ से, जिसकी और भी इमेजेस सामने निकल के आ रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्वैड कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि वर्टिकल में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको स्मॉल ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि सैमसंग इसको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले बुलाता है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सोनी एक्सपीरिया 1 स्मार्टफोन की तरफ से, जिसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है चाइना में, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है 6.5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ ही साथ आपको 21.9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको चिपसेट लगा हुआ है स्क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर। ये स्मार्टफोन 6GB रैम 128GB वेरियंट के साथ लॉन्च हुआ है। बात करें इस स्मार्टफोन के बारे में, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि सोनी की तरफ से पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा आपको लगा हुआ है। तीनों कैमरा 12-12 मेगापिक्सल के हैं। प्राइमरी कैमरे में आपको मिल जाता है 1.6 का अपर्चर, और सेकेंडरी कैमरा है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जिसमें आपको मिल जाता है 2.4 का अपर्चर। तीसरा जो कैमरा है वो है टेलीफोटो कैमरा, जिसमें आपको 2.4 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। सेल्फी के लिए आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, जिसमें आपको f2.0 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको 3300mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आ रही है क्विक चार्ज 3.0 के साथ। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नोकिया 2.2 स्मार्टफोन की तरफ से, जो कि इंडिया में आज लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है 5.71 इंच की HD+ डिस्प्ले, MediaTek का हीलियो P20 प्रोसेसर मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इसके वेरिएंट के बारे में, तो ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 2GB रैम प्लस 16GB वेरिएंट, 3GB रैम प्लस 32GB वेरिएंट। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो 2 16 की प्राइसिंग है 7000 रुपये और 3 32 की प्राइसिंग रखी है नोकिया ने इसको 8000 रुपये। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आया यूवॉन की तरफ से। सो यूवॉन ने लॉन्च कर दिया अपने वायरलेस स्पीकर 3999 की प्राइस रेंज में इंडिया में, जिसका नाम है हल्क SP50। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग यूवॉन ने रखी 3999 रुपये। इसमें आपको मिल जाती है 1500mAh की बैटरी, और ये परफॉर्मेंस देता है आपको, प्ले टाइम मिल जाता है आपको इसमें 4 घंटे का प्ले टाइम। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी 3999। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इसको खरीदते हैं, तो आपको इसको ये पड़ता है ये 2599 रुपये का। तो यही थे कुछ आज के टेक अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं आज के यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पेज के बारे में। तो ट्रेंडिंग पोस्ट पे पहुंच गया है मिलिंद गावा का नया सॉन्ग, जो कि टी सीरीज द्वारा डाला गया है, जिसमें व्यूज़ 16 मिलियन व्यूज़ एक दिन के अंदर। अगला बात करते हैं YouTube के ट्रेंडिंग म्यूजिक के बारे में। तो ट्रेंडिंग म्यूजिक पे भी है मिलिंद गावा का सॉन्ग, जो कि टी सीरीज द्वारा डाला गया है, इसमें भी व्यूज़ हैं 16 मिलियन व्यूज़ एक दिन के अंदर। आगे बात करते हैं YouTube के ट्रेंडिंग गेमिंग के बारे में। तो ट्रेंडिंग गेमिंग पे है डायनमो गेमिंग की वीडियो पबजी स्ट्रीम वीडियो, जिसमें व्यूज़ हैं 779,000 व्यूज़ 17 घंटे के अंदर। आखिर में बात कर लेते हैं YouTube के ट्रेंडिंग ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेंडिंग ट्रेलर पर बरकरार है सुपर 30 का ट्रेलर, जो कि डाला गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा, इसमें व्यूज़ हैं 31 मिलियन व्यूज़ 3 दिन के अंदर। तो यही थे आज के कुछ अपडेट्स। आशा करता हूँ आपको ये अपडेट रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही गेमिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो भी लेके आता रहता हूँ और आपको डेली अपडेट करता रहता हूँ। मैं हूँ आर्यन, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।